हेलो सर, नमस्ते सर। चलिए आज हमारा क्लास का फर्स्ट डे है, ठीक है, पहला दिन है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है। एक तो जब भी आप ज्वाइन होते हो, जो आपका रियल नाम है, जो आपने मुझे बताया हुआ है, उसी नाम से आप ज्वाइन होना, ठीक है। कोई भी अपने मोबाइल का नाम नहीं डालेगा, जैसे सैमसंग अभी डाला हुआ है किसी ने, तो अपना जो मोबाइल का मॉडल नंबर है वो नहीं डालेगा, अपना नाम आपको डालना है। वीवो आप भी अपना नाम डालें, तो सभी को अपना नाम डालना है यहाँ पर, ताकि मैं आपके नाम से पहचान पाऊँ, ठीक है। 25 दिन की हमारी क्लास होगा जो कलर क्लास में, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जानूं, और जो भी आपका क्वेश्चन होता है हो सके आप कैमरा ऑन रखा करो, ताकि मुझे आपकी पहचान भी हो जाए। नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कम से कम शक्ल से तो मुझे पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ कि हमारी क्लास कैसे कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट आपको ग्रुप के अंदर ही, आप सोच रहे थे ग्रुप में लिंक नहीं मिल रहा, तो हमारा जो लिंक होता है जूम ऐप का, वो आपको ग्रुप के अंदर कभी 5 मिनट पहले, कभी 10 मिनट पहले, तो ऐसे आपको मिलता है, पर आपको मिलेगा जरूर। 25 दिन की क्लास होगा, और 25 दिन आपका चाहे संडे है चाहे सैटरडे है, डेली आपका क्लास होगा, ऐसा कोई भी डे नहीं होगा जिसमें आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। और जब भी छुट्टी होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, 1 दिन या 2 दिन पहले, कि आपकी उस दिन क्लास नहीं होगा। सर अगर इनकेस हमारी कोई क्लास मिस हो जाती है किसी रीजन की वजह से, तो फिर कैसे? तो अगर आपकी क्लास कोई मिस होती है, तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग वीडियो, आपका साथ के साथ हो रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो है ये आपको शेयर होगा। और रिकॉर्डिंग वीडियो आपको ऐसा नहीं है कि आज अभी आपने क्लास लिया और अभी आपको मिल जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको सुबह 10 या 11 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाया करेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1-2 घंटे में मिल जाए, कभी कभी लेट भी हो सकता है। कहाँ पे मिलेगा वो वीडियो? वो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, सारा कुछ हमारा ग्रुप के अंदर रहेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो सर, हेलो सर, हाँ हाँ बोलो 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 सर। मैंने डिप्लोमा क्लास ज्वाइन किया, तो पहले कलर क्लास से स्टार्ट होगा कि डिप्लोमा क्लास से? बिल्कुल कलर क्लास से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो सर कलर क्लास में जो भी क्वेश्चन, हाँ जो भी कलर क्लास में, जैसे जैसे कुछ एक डाउट है, जैसे सर्च कप के नेम, सर्च कप से कलर नेम एंड लोरियल नेम, वो सब पूरा कवर हो जाएगा सर कलर में? हाँ चलो, ये भी बताता हूँ। देखो आपको कलर के अंदर आपको जो भी आपके डाउट है, ठीक है, पहले तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से और लास्ट में जाके हम जाएंगे ब्रांड्स के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। आपका एक ऐसा भी कोई भी टॉपिक नहीं रहने वाला है जो कलर के अंदर होता है, ठीक है, सारे टॉपिक आपके कवर होगा, आपके माइंड में ऐसा टॉपिक होगा भी नहीं, वो भी हमारा कवर होने वाला है। तो कलर के लिए आप ये समझो, आप यहाँ पर कलर सीखने आए हो, तो कलर में मैं आपको परफेक्ट करके ही भेजूंगा, चाहे मुझे उसमें 25 दिन से ज्यादा दिन भी लगे, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और दूसरा, 25 दिन के अंदर अंदर आपको कवर नहीं होता, अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम बिजी थे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस देखना है, ठीक है। अगली बार जब भी हमारा क्लास होगा, 2-3 महीने बाद दोबारा से रिपीट क्लास होता है, तो आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमारा 25 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट होता है, एक फाइनल टेस्ट होता है, तो उसको भी आपको देना पड़ता है। मुझे लगता है कि नहीं, इस स्टूडेंट को प्रॉपर नहीं आया है, तो अगली बार उस स्टूडेंट को जरूर मैं फोकस करता हूँ कि अगली बार आप उसमें नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको कलर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, अगर आप साथ के साथ पढ़ रहे हो, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना अगर आप पढ़ रहे हो, तो सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर उसी के अंदर आपको डाउट क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि मैं आज मैंने टॉपिक दूसरा पकड़ा है और आप स्मूथनिंग का टॉपिक लेके बैठेंगे, ठीक है, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, तो यहाँ पर आपको
हर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे। अगर आप कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है जो बिल्कुल ही जिनको कलर करना नहीं आता है तो वहां पर उनको दिक्कत होगा। तो लास्ट में आप पूछ सकते हो, बिल्कुल लास्ट में, और या फिर आप मुझे कभी भी कॉल करें व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर पूछे तो वहां भी मैं क्लियर करता हूँ। तो एक बार किसी को कोई और भी कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर दो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो सर, जैसे अपने डिप्लोमा क्लासेस वगैरह कलर क्लासेस चालू है तो उसमें जैसे क्लास सर्टिफिकेट यानी ये मिलेगा कि आईडी वगैरह, जैसे डिप्लोमा क्लास में कई आईडी वगैरह मिलती है? देखो आईडी वगैरह नहीं, आपको सीधा लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। डिप्लोमा क्लास है चाहे आपका वो कलर क्लास है, सबका सर्टिफिकेट मिलता है। डिप्लोमा क्लास में अगर आप हो तो आपको एक डिप्लोमा क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा और एक आपको कलर का, ठीक है, मास्टर कलर का सर्टिफिकेट मिलता है, दो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। आईडी नंबर वगैरह आपका जो होता है वो आपको जो आप अगर आप डिप्लोमा ग्रुप से हो तो आपको एक जल्दी लिंक शेयर मिलेगा, ठीक है। आपको एक लिंक मिलेगा जो आपको परमानेंट आपका वही रहेगा। आपको क्या करना है, बस उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको ज्वाइन होना है पूरे टाइम 10 बजे। अभी फिलहाल ये हमारा परमानेंट लिंक नहीं है, ठीक है। कौन सा आपको आईडी कह रहे हो? नहीं, मेरा क्वेश्चन वो था कि आप जैसे लिंक शेयर करते हो और मैं जैसे कि कुछ स्टूडेंट और लिंक किसी और स्टूडेंट को शेयर करते हैं तो भी ज्वाइन हो जाते हैं वो आपका। हाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपका अभी आगे मिलेगा। हाँ वो आगे मिलेगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा कोई भी ज्वाइन हो सकता है क्योंकि अभी ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो अभी फिलहाल जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बीजी थे तो इसलिए हमने ऐसा नहीं रखा। ओके सर, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रेडी है सभी? सबकी नोटबुक अपना yes, पेन सभी का रेडी है? और कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो अभी सलोन के अंदर है? सभी 10 बजे घर पे रहते हैं? हाँ जी सर। हाँ सर, चलो मैंने सभी को परमानेंट म्यूट कर दिया है। और कलर हम स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ फोकस देना है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप उस पर आप फोकस देना। अगर आपको लगता है कि आज का टॉपिक ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो आप वहां पर मुझे बोल सकते हैं कि नहीं सर आज इतना ही बहुत है, ठीक है, तो मैं उतना ही कर लूंगा। जो भी आपका डाउट रहता है आपको लास्ट में आपको पूछना है, ठीक है, और जो भी डाउट रहेगा उसको लिखना। अगर आप नहीं लिखोगे हो सकता है वो आपका माइंड से निकल सकता है वो डाउट, तो लिखना जरूर आप। और रिकॉर्डिंग वीडियो के भरोसे मत रहना, रिकॉर्डिंग वीडियो के भरोसे रहोगे तो ऐसा तो वीडियो बहुत सारा है यूट्यूब पे सारी जगह, तो इसलिए आपको लाइव ही देखना है। चलो कलर स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो कलर होता है वो हमारा कैसे वर्क करता है, बाल होते कहाँ पर काम करता है। अगर आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें पता होनी होती है तो आपका कंसंट्रेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। कंसंट्रेशन में आपसे क्लाइंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे डाई कलर क्यों नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, जो हमारा प्रोफेशनल कलर्स है ये आप क्यों यूज कर रहे हो, ये कैसे है, ठीक है, और साथ में इसके जो मेन केमिकल्स होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये बालों पे काम करने वाले हैं, क्यों यह प्रोफेशनल कलर अच्छे होते हैं और कुछ जो कलर्स होते हैं क्यों बेकार होते हैं, जैसे लॉरेल का इनोवा कलर हो गया क्यों ये कोटिंग कर देते हैं, वो सारा कुछ आपको कैसे क्लियर होगा जब आपको स्टार्टिंग पता होगा, आपको बेस पता होगा। तो यहां पर हम पहले कलर साइंस को पढ़ेंगे।
एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको अच्छे से प्रॉपर नजर आ रहा है। ओके चलो हमें पहले क्या करना है, कलर के साइंस को पढ़ना है कि जो कलर होता है वो नेचुरल जो हमारे कलर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर हमारे कलर काम करते हैं, कौन सी लेयर में काम करते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। कलर के टाइम पे आप क्या करते हो, सिर्फ आपने ब्लॉन्डर लगाया, ब्लीच लगाया और आपने कलर डिपॉजिट कर दिया, पर आप वॉच ही नहीं देखते कि क्लाइंट के बालों में कितनी ड्राइनेस आ रही है। और आपने देखा होगा जो भी फॉरेन की जितने भी पिक होती है कितने बालों में कितनी ज्यादा साइन आती है, वो साइन क्यों आती है, क्योंकि वो पीएच लेवल को मेंटेन करते चलते हैं। और ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है, बस ब्लीच किया, ब्लीच करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ कलर डिपॉजिट कर देना और उसके बाद आपने लास्ट में मास्क लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, सिर्फ बालों में एल्कलाइन वाले जो भी एजेंट होते हैं वो आप बालों में लगाए जा रहे हो, जिससे क्या होता है बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है और वो साइन आपके बालों में नहीं रह पाती है। तो फर्स्ट हमारा हेयर रूट, हेयर रूट को हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो कलर होता है वो हमारा हेयर रूट से ही आता है। अगर आपके बालों के अंदर कलर नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपके स्कैल्प के अंदर से ही नहीं आएगा, ठीक है, खत्म हो चुका होगा। तो हेयर रूट जो है यहां से हमारा जो कलर होता है, नेचुरल जो कलर होता है वो हमारा बनना स्टार्ट होता है, कहां से, हेयर रूट से। तो हमारे बालों के अंदर हमारे सभी जगह हमारे एक तीन कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। रेड, येलो एंड ब्लू, ये हमारे तीन पिगमेंट होते हैं जो हमारे बालों के अंदर होते हैं। अगर हमारे ये तीन पिगमेंट नहीं होगा बालों में तो ये क्या होगा, हमारा बाल व्हाइट हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं स्टार्टिंग में मैं व्हाइट व्हाइट बोलूंगा, पर आगे से मैं ग्रे हेयर वर्ड यूज करूंगा। ग्रे मतलब व्हाइट ही होता है, ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए है। तो हमारा क्या होगा, अगर ये तीन पिगमेंट हमारे बालों में नहीं होगा, रेड, येलो, ब्लू, तो हमारा हेयर कैसे होगा, व्हाइट। तो आपने जो भी व्हाइट हेयर देखा होगा तो उनके बालों के अंदर ये जो तीन पिगमेंट्स होता है ये बालों में नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर होता है वो व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सिर्फ बालों के अंदर नहीं होता, ये हमारे स्किन के अंदर भी होता है। स्किन के अंदर भी ये तीन पिगमेंट्स होता है, जब भी आपने देखा होगा किसी की फेयर स्किन होती है, किसी की डार्क में होती है, तो ये हमारे स्किन के अंदर भी ये तीन पिगमेंट्स होते हैं। तो ये तीन पिगमेंट्स कहाँ पर होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे ये जो तीन पिगमेंट है आपने बता दिया चलो है, तो वो है कहाँ। तो इसके लिए हमने हेयर रूट को लिया है। हेयर रूट के अंदर ये हमारी स्कैल्प है जहां पर हमारे हेयर होते हैं, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, हेयर। तो अब मैं इतने सारे हेयर को नहीं समझा सकता, मैं आपको एक हेयर को समझा रहा हूं जो हमारा एक हेयर काम करता है वही सभी हेयर के अंदर होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बड़ा हेयर को बना रहा हूं, तो फर्स्ट हमारी जो लेयर होती है जो हमारा जहां पर आपको डैंड्रफ नजर आता है आप देखते होंगे, देखो आप कोई भी वॉइस कट हो रहा है, सभी की तरफ से कट हो रहा है। एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे एक बार क्लियर करें फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रही हो या कट हो रहा हो या फिर आपको, ओके क्लियर, वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा स्क्रीन ठीक से कीजिए, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीन शो है थोड़ा वो बाहर जा रहा है, तो स्क्रीन थोड़ा सा और पीछे कर लो, मतलब कैमरा थोड़ा सा हल्का सा पीछे, ये मैं थोड़ा पीछे करूंगा ना तो आपको और भी नजर नहीं आएगा, सर जूम आउट कर दीजिए। एक्चुअली सर वॉइस भी थोड़ी ब्रेक हो रही है, वो आपका मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा,
वॉइस तो आ रही है, वॉइस में दिक्कत नहीं, वॉइस प्रॉपर है। वॉइस एकदम क्लियर है। ओके वॉइस अटक अटक के आ रही है। देखो वॉइस की मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा, बाकी हाँ ये थोड़ा सा पास था कैमरा तो इसलिए आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा। मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा तो कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। चलिए दोबारा से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम हेयर रूट को समझ रहे थे, तो हेयर रूट जो होता है हमारा, ठीक है एक बार मैं एरिया को पहले देख लेता हूँ कहां तक हमारा जाने वाला है। तो जहां पर आपको डैंड्रफ नजर आता है, आपने देखा होगा क्लाइंट के बालों पे डैंड्रफ, तो जहां भी आपको डैंड्रफ नजर आता है वो एरिया होता है हमारा एपिडर्मिस। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जहां पर हमारा बालों की जड़ें होती है, रूट होता है, उसको बोलते हैं डर्मिस। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्कैल्प पे हेयर होता है वो हमारा ये हेयर है। ठीक है, तो मैं एक सिंगल हेयर को आपको समझाऊंगा। तो एक सिंगल हेयर जो है वो ही आपका सारे हेयर का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट आपको हेयर फॉलिकल मिलेगा। आपने देखा होगा कि स्कैल्प के बीच में से आपका जो हेयर होता है किसी किसी का वो बिल्कुल ही झड़ जाता है। ठीक है, जिसको एलोपेसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपका अगर हेयर के अंदर फॉलिकल नहीं होगा तो आपका वहां पर समझ लो आपका हेयर भी नहीं होगा। तो एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं यहां पर एक गमले को। अगर आपके पास एक गमला है, अगर आपके पास गमला नहीं है, ठीक है, और जमीन आपके पास फर्श है, ठीक है, वहां पर आपके पास मिट्टी भी नहीं है, तो आप यहाँ पर गमला पौधा कैसे लगाओगे अगर आपके पास गमला ही नहीं होगा। तो हमारा हेयर का भी कुछ ऐसा ही है, अगर आपके पास फोलिकल नहीं है तो आपका हेयर भी वहां पर नहीं उगेगा। ठीक है, जैसे आपने हाथों की हथेली देखा होगा, अपने लिप्स पे देखा होगा कि आपका हेयर यहाँ पर नहीं होता, मतलब जहां भी आपका फोलिकल नहीं है वहां पर आपको हेयर देखने को नहीं मिलने वाला। तो हमारा जहां पर फॉलिकल होता है वहीं पर ये आपका हेयर होता है। तो जो फॉलिकल होता है ये हमारी पतली ट्यूब की तरह होता है, इस टाइप का। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा हेयर होता है। तो हमने इसको हेयर फॉलिकल को एग्जांपल के लिए लिया है हमने गमले को, मतलब एक तरीके से गमला है हमारा फॉलिकल। हमारे गमले के अंदर जैसे पौधा होता है ऐसे हमारा फॉलिकल के अंदर हेयर होता है। तो जो ऊपर की लेयर होती है अंदर डर्मिस के अंदर, तो वो होता है हमारा हेयर फॉलिकल। अब जो हमारा हेयर होता है वो कहां से बनना स्टार्ट होता है, वो हमारा अंदर से नीचे से हमारा बनना स्टार्ट होता है। तो कलर हमारे कहां से स्टार्ट होगा, कलर भी हमारा यहीं से ही स्टार्ट होता है। वॉइस नहीं आ रही। देखो फर्स्ट है तो यहां पर प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, जो जूम ऐप नहीं चलाना चाहते जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर वॉइस को ऑन करना पड़ता है, वॉइस को ऑन करें तो ही आपके पास मेरी आवाज जाएगी।
और मेरी यहाँ से मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर पूरा नेटवर्क के अंदर हूँ। तो जिसको भी वॉइस कट हो रहा है ठीक है, कल से अपना नेटवर्क प्रॉपर रखे, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नहीं रखोगे तो आपको ये चीज क्लियर नहीं हुआ करेगी। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा से वो टॉपिक हमारा अभी ही स्टार्ट हुआ है। चलो, फर्स्ट लेयर होती है हमारी, जो हमारा जहां डैंड्रफ नजर आता है वो हमारा एपिडर्मिस होती है, जहां पर हमारा जड़े होती है बालों की, जहां पर हमारा फॉलिकल होता है वो हमारा डर्मिस होता है। ठीक है, तो हमारा फॉलिकल जो है वो क्या काम करता है, इसके अंदर हेयर होता है। ठीक है, जहां पर आपका फॉलिकल होगा वहीं पर ही आपका हेयर होगा। अगर आपका फॉलिकल ही खत्म हो चुका है तो आपका यहां पर समझ लो आपका हेयर उगना बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा हेयर फॉलिकल, फिर नीचे से हमारा बाल बढ़ना स्टार्ट होता है। और बाल कब बढ़ेगा, जब आप डाइट लेते हो, जब आप कुछ खाते हो, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपके जो भी न्यूट्रंस होते हैं वो आपका यहाँ पर खट्टे हो जाता है, मतलब एक ये रेड की तरफ तरह होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डर्मिस पैपिलर, डर्मल पैपिलर। DERMALE ठीक है। तो जहां जब भी आप कुछ खाते हो तो हमारा जो न्यूट्रंस होता है वो हमारा डर्मल पैपिला के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, हम एक तरीके से एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। आपने क्या किया, आपने एक गमला लिया, अब गमले के अंदर आपको एक पौधा लगाना है, मतलब आपको फॉलिकल के अंदर क्या है, आपको हेयर को लगाना है। तो यहाँ पर आपको गमले के अंदर बीज लगाना पड़ेगा, जब आप बीज डालोगे तो ही तो आपका जो पौधा वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा डर्मल जो पैपिला होता है वो हमारा एक बीज की तरह काम करता है, हमारे बालों को बढ़ने के लिए एक न्यूट्रंस जो होता है वो आगे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा डर्मल पैपिला के अंदर क्या होता है, ब्लड इकट्ठे होते हैं, जो भी हमारे बालों को बढ़ने के लिए जो भी न्यूट्रंस ये होता है वो आगे प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हेयर बल्ब बलना स्टार्ट हो जाता है। हेयर बल्ब, हेयर बल्ब कैसे बना, डर्मल पैपिला ने बनाया, क्योंकि उसके अंदर क्या था, आपका ब्लड था, आपने जो भी कुछ खाया था वो आपका डर्मल पैपिला के अंदर हो गया था, और जो भी बालों को बढ़ने के लिए जो भी न्यूट्रंस ही होता है डर्मल पैपिला ने क्या किया, आगे उसको दे दिया। तो ऐसे ही सेम हमारा पौधे का काम होता है, आपने बीज डाला, बीज डालने के बाद क्या बनता है, जड़े बनना स्टार्ट होता है, एकदम से बाहर तो नहीं आता पौधा, उस टाइम क्या होता है, पहले जड़े बनती है। तो ऐसे ही हमारा हेयर के अंदर क्या बना, हेयर बल्ब बना। अब हेयर बल्ब बना उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, आपका हेयर बनना स्टार्ट हो जाता है और आपके स्कैल्प के से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो आपको नजर आता है। तो पहले आपका डर्मल पैपिला था, उसने आगे हेयर बल्ब बनाया, जब आप बालों को उखाड़ते हो ठीक, जबरदस्ती आपने उखाड़ा, जब आपको वो व्हाइट व्हाइट जो नजर आता है ना, वही आपका हेयर बल्ब होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं। तो जब भी आप बालों को उखाड़ते हो आपको व्हाइट नजर आता है, वो आपका हेयर बल्ब है। हेयर बल्ब के नीचे आपका क्या होता है, डर्मल पैपिला होता है, जो आपका बालों को बढ़ने के लिए न्यूट्रंस देता है। फॉलिकल आपका साइड में होता है, ठीक है, आप फॉलिकल को पूरा उखाड़ नहीं सकते, अगर आपके फॉलिकल ही आप उखाड़ के लेके चले गए तो आपका वापस बाल भी नहीं आएगा, तो आपका फॉलिकल ये नहीं होता है खत्म, ये फॉलिकल आपका अंदर ही रहता है, सिर्फ आप बालों को उखाड़ते हो। फिर अभी भी हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, हमारा मेन कलर को हमें समझना है कि कलर हमारा कहाँ आता है। अभी तो फिलहाल हमने क्या समझा है, बाल कैसे आते हैं बाहर, तो वो हमने समझा है। तो यहाँ पर फॉलिकल से ही अटैच होता है हमारा सेबेसिस ग्लैंड, SEBACEOUS, ठीक है, सेबेसिस ग्लैंड, ये हमारा फॉलिकल से अटैच होता है। तो आपने देखा होगा स्कैल्प के ऊपर, आपको अगर आप 2-3 दिन वॉश नहीं करोगे, किसी किसी का तो सेम डे पे भी ऑटोमेटिक ही ऑयल आ जाता है, ठीक है।
तो सीबेसिक ग्लैंड का काम होता है सीबम प्रोवाइड करना। आपके बालों में अगर ये सीबेसिस ग्लैंड अच्छा सीबम नहीं दे रहा है तो आपका हेयर ड्राई होगा, ठीक है। अगर आपका सीबम बहुत ज्यादा दे रहा है, सीबम सीबेसिस ग्लैंड अगर बहुत ज्यादा सीबम दे रहा है तो आपका हेयर और स्कैल्प क्या होगा, ऑयली होगा। तो आपका जो सीबेसिस ग्लैंड होना चाहिए जो वो सीबम देता है वो आपका नॉर्मल रहना चाहिए। अगर वो ज्यादा देगा तो आपकी ऑयली स्कैल्प होगा, अगर आपका वो कम है तो आपका ड्राई स्कैल्प होगा। तो ये हमारा नॉर्मल होना चाहिए। वो हमारा कहाँ अटैच होता है, किससे अटैच होता है, फॉलिकल से, हर एक फॉलिकल के साथ, जितने बाल है उसी के साथ आपका ये सीबेसिस ग्लैंड हमारा अटैच रहता है। सीबेसिस ग्लैंड हमारा फॉलिकल से अटैच है जिससे हमारा धीरे धीरे क्या होता है, ये बाहर ऐसे निकल जाता है, ठीक है। अब यहां तो हमारा ये चीज क्लियर हुआ कि हमारा सीबम कहाँ देता है, जो हमारा नेचुरल ऑयल आता है वो कहाँ से निकलता है। अब आप बालों को कभी उखाड़ते हो आपको पेन भी होता है, ठीक है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि फोलिकल से ही अटैच होता है एक इरेक्टर प्ली मसल, ठीक है। फॉलिकल से अटैच रहता है इरेक्टर प्ली मसल। इरेक्टर प्ली मसल की स्पेलिंग है ARRECTOR, ठीक है। इरेक्टर प्ली, PILI। इरेक्टर प्ली मसल जो होता है ये हमारा फॉलिकल से तो अटैच है ही है, यहां से तो अटैच है और आपकी स्किन से भी अटैच रहता है। जब आप बालों को उखाड़ते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये फॉलिकल और स्किन से अटैच रहता है इसलिए आपको पेन होता है। और आपने देखा होगा जब भी आपको ठंड लगती है, ठीक है, या फिर आप डर जाते हो, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को बोलता है कि डराओ मत, डराने से क्या होता है, वो बीमार हो जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको ठंड लग रही है और आप या फिर डर चुके हो ज्यादा, तो वहां पर आपके जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। रोंगटे, बाल जो हाथों के जो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं उसको बोलते हैं रोंगटे। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकली मसल का काम यही होता है, कभी भी आपको डर लगता है, आपके जो बाहर की ठंड होती है वो आपका जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, ठीक है, आपकी जो कोर बॉडी होती है उसके अंदर वो टच ना हो जाए, ठीक है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर ना चला जाए। तो जिसके वजह से आप बीमार भी हो जाते हो कभी कभी, जो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ठंड लग चुकी है, वो क्यों होती है, इरेक्टर प्ली मसल अगर आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा ठंड में जा चुके हो और आपके रोंगटे भी खड़े हो चुके हैं, फिर भी आपकी जो ठंड होती है वो अंदर चली जाए अगर, तो वहां पर आपका जो ठंड है वो अंदर कोर बॉडी पे टच हो जाती है, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हो। तो इरेक्टर प्ली मसल का यही काम होता है, जो आपके रोंगटे खड़े होते हैं वो आपका ये इरेक्टर प्ली मसल का ही काम होता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जैसे आपको ठंड लगी आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं और जो भी पोर्स होते हैं वो आपके श्रिंक हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, ठीक है। तो इरेक्टर प्ली मसल का ये काम होता है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक पे, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कलर, ठीक है। हेयर बल्ब आपको मैंने बताया था, हेयर बल्ब क्या होता है, फर्स्ट पहले आप मुझे ये बताएं, फिर हम कलर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स में बताएं कि हेयर बल्ब हमारा कहां पर होता है। चलो, हेयर बल्ब हमारा क्या था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या दिया था मैंने आपको, जड़े, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या किया था, फर्स्ट आपका काम क्या था, फॉलिकल था, जो हमारा गमला है एग्जांपल के लिए लिया था हमने। फिर आपने क्या किया था, गमले के अंदर एक आपने बीज डाला था। बीज आपने क्यों डाला था, ताकि आपका पौधा निकले। तो यहां पर आपका क्या है, वो बीज क्या है, डर्मल पैपिला, ठीक है। डर्मल पैपिला का काम क्या होता है, आपका हेयर को बनाना। तो आपका डर्मल पैपिला क्या करेगा, हेयर बल्ब को बनाता है। हेयर बल्ब क्या है, आपकी बालों की एक जड़े है जहां से आपका हेयर का जो ग्रोथ होता है वो बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने बीज के बाद हमारी जो जड़े बनती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जड़े बनने के बाद आपका जो पौधा होता है
वो बाहर निकलता है, तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, हेयर बल्ब के बाद आपका जो हेयर होता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आता है हमारा हेयर बल्ब ही दोबारा से, ठीक है। हेयर बल्ब जो होता है इसी के अंदर हमारे जो ये पिगमेंट्स होते हैं ना, रेड येलो ब्लू जो हमारे पिगमेंट्स होता है, वो हमारा हेयर बल्ब के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स एक पार्ट है हेयर बल्ब का अंदर होता है वो, मैट्रिक्स के अंदर भी आपकी कलर बनाने की एक मशीन है, ठीक है। मैं उसको एक समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स के अंदर आपके जो बालों के अंदर जो कलर आता है उसके एक मशीन फिट करी हुई है मैट्रिक्स के अंदर, जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट। ये सेल होते हैं, ठीक है, मशीन नहीं है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मेलानोसाइट सेल होता है, MELANOCYTES, ठीक है। वैसे आपको नोट्स मिलेगा, सब उसमें होगा। तो मैट्रिक्स के अंदर होता है मेलानोसाइट सेल जो हमारा कलर को बनाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर कलर बनाने की मशीन है जिसका नाम है मेलानोसाइट सेल। तो मेलानोसाइट सेल क्या करता है, हमारा मेलानिन को बनाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, मेलानिन को बनाता है। अब जो ये मेलानिन होते हैं ये भी हमारा एक नहीं होते, ये भी हमारे अलग अलग होते हैं। तो फिलहाल अभी मुझे इतना ही बता दे, हेयर बल्ब के अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर मेलानोसाइट सेल होते हैं, मेलानोसाइट सेल का काम होता है मेलानिन को बनाना। इतना सभी का क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे ये रफ करना है। हाँ जी, जिसका नहीं क्लियर हुआ वो मुझे अपने आप को अनम्यूट करे। हेलो, हाँ जी। हेलो सर, मैंने थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन की, तो थोड़ा एक बार रिपीट कर दो प्लीज। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है यहाँ पर जो मैंने अभी तक पढ़ाया, क्लियर है? सर हेयर बल्ब से स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलो सर। मेरा ये फोलिकल वाला कि मैं क्लियर समझ नहीं आया, ये फोलिकल कैसे किया? ठीक है, फोलिकल के बारे में आपको क्लियर बता दो सर, कैसे क्या है? ठीक है, चलो एक बार हम दोबारा से इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं। देखो फोलिकल क्या होता है, फोलिकल एक तरीके से हमारे बालों के अंदर, हमारी स्कैल्प के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है। जहां भी आपको फोलिकल नजर आ रहा है, जहां भी आपको सॉरी हेयर नजर आ रहा है, समझ लेना वहीं पर ही आपका फोलिकल है। फोलिकल आपकी पूरी बॉडी में है, ठीक है। जहां पर आपको हेयर नजर नहीं आ रहा तो वहां पर समझ लेना फोलिकल नहीं है। जैसे हाथों की हथेली होगी, जहां पर आपको हेयर नजर आता है तो यहां पर हमारा फोलिकल नहीं है, आपके लिप्स हो गए, ठीक है, होंठ आपके हो गए, होंठों के आपको कोई हेयर नजर आता है नहीं आता है, तो वहां पर हमारा फोलिकल नहीं है। तो जहां पर हमारा हेयर होता है वहीं पर ही हमारे फोलिकल होता है, और फोलिकल सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे फोलिकल है, ठीक है। तो हर एक फोलिकल, हर एक हेयर का, एक सिंगल हेयर का एक फोलिकल होता है। आपके पास, आपके स्कैल्प पे 1,00,000 बाल है तो आपका फोलिकल भी 1,00,000 हो गए, ठीक है। तो जितना फोलिकल उतना ही हेयर, कभी कभी ऐसा भी होता है एक फोलिकल के अंदर 2 हेयर भी निकल के आ जाता है। तो फोलिकल, एक मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको एक गमले का, तो आपके पास गमला होगा तो ही आप एक पौधा लगा पाओगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो फोलिकल है वो हमारा क्या काम करता है, एक हेयर बनाने का काम करता है। अगर हमारे पास फोलिकल नहीं होगा जहां, वहां पर हेयर नहीं बनेगा। फिर हमारा स्टार्ट होता है फोलिकल के अंदर ही, और सबसे एंड में होता है हमारा डर्मल पैपिला, DERMALE, ठीक है। तो फोलिकल के एंड में ही हमारा, जहां पर हमारा फोलिकल का एंड होता है एक फोलिकल का, वहां पर हमारा एक लास्ट में एक डर्मल पैपिला होता है, जिसको मैंने एग्जांपल दिया है आपको एक बीज का। तो आप पौधा कब लगा, कैसे लगा पाओगे, जब आपके पास कोई बीज होगा पौधा लगाने के लिए तो ही आप एक पौधा को लगा पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, डर्मल पैपिला को एक बीज का नाम दे दिया। तो डर्मल पेपीला के अंदर ब्लड होते हैं, ठीक है।
जो हमारे न्यूट्रंस जो बालों को बढ़ने के लिए जो भी न्यूट्रंस चाहिए होता है वो आगे प्रोवाइड कर देता है। कौन करता है? डर्मल पैपिला। तो जब डर्मल पैपिला आगे बालों को बढ़ने के लिए जो भी न्यूट्रंस होता है वो आगे देता है, तो हमारा जड़े बनना स्टार्ट हो जाती है, बालों की जड़े, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं हेयर बल्ब। हेयर बल्ब हमारा एक स्टार्टिंग पार्ट है। जब आप बालों को उखाड़ते हो, जो आपकी लास्ट की जो पॉइंट होता है वो हमारा हेयर बल्ब होता है। तो हेयर बल्ब के अंदर, अब इसके अंदर भी मैट्रिक्स होता है, ये एक पार्ट है जो हेयर बल्ब के अंदर होता है। अब मैट्रिक्स के अंदर भी एक, जो हमारे बालों के अंदर जो कलर आपको नजर आता है ना, किसी का नेचुरल ब्राउन, किसी का ब्लॉन्ड होता है, सबके अलग अलग होता है, वो हमारा जो कलर होता है ना नेचुरल, वो हमारा मैट्रिक्स के अंदर होता है। और मैट्रिक्स के अंदर मेलोसाइट सेल होते हैं। ये मेलोसाइट जो सेल होते हैं ये हमारा कलर को बनाने का काम करता है, ठीक है। अब मेलोसाइट सेल भी क्या करता है, मेलानिन को बनाता है। मेलानिन एक हमारा, अब मैं इसको रफ कर दू, इतना क्लियर है सभी का? हाँ जी, सभी का इतना क्लियर है, फिर मुझे रफ करना है इसको। यस सर, यस सर। ओके, जिसका क्लियर नहीं हुआ एक बार आप रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख लेना अगर लेट आप ज्वाइन हुए हो। चलो, तो हम कहां पर थे? हेयर बल्ब के अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है मेलोसाइट सेल जो हमारा मेलानिन को बनाता है। मेलानिन क्या है? हमारे कलर है। हेयर बल्ब के अंदर होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर होता है मेलोसाइट सेल, ठीक है। तो ये जो मेलोसाइट सेल होता है ये हमारा मेलानिन को बनाता है। मेलानिन क्या है? हमारा कलर है, नेचुरल। अब मेलानिन भी जो होता है वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा यू मेलानिन एंड दूसरा होता है फी मेलानिन, ठीक है। तो मेलानिन भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है यू मेलानिन, एक होता है हमारा फी मेलानिन। जो हमारा यू मेलानिन होता है, अब आपको मैंने एक चीज और बताया था, आपके बालों के अंदर तीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और सिर्फ आपके बालों के अंदर नहीं, आपके स्किन के अंदर भी होता है। कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो एंड लास्ट ब्लू। तो ये तीन जो पिगमेंट्स होता है ये हमारे बालों के अंदर होता है। तो जो यू मेलानिन होता है, तो जैसे मेलानोसाइट सेल है, अब वो मेलानिन को बनाता है। अब देखो, किसी किसी के जो मेलानिन बनते हैं वो किसी किसी के बनते हैं यू मेलानिन। जिसके यू मेलानिन बनते हैं वो ज्यादातर एशियन हेयर होते हैं। जो हमारा हेयर होता है ज्यादातर वो हमारा तीन नंबर नेचुरल ब्राउन हो गया, ठीक है, लाइट ब्राउन हो गया, इस टाइप के होते हैं। तो यू मेलानिन में ज्यादातर जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो हमारा ब्लू और रेड मिलता है, ब्लू और रेड। यू मेलानिन के अंदर जो फ्यू मेलानिन होते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा जो भी गोरे लोग होते हैं, अंग्रेज जो लोग होते हैं, उनका हेयर कितना ज्यादा लाइट होता है। तो उस हेयर के अंदर उनका जो मेलानोसाइट जो सेल होता है वो ज्यादातर कौन से मेलानिन को बनाते हैं? फ्यू मेलानिन को, जो होता है येलो और रेड। तो जो गोरे लोग होते हैं, अंग्रेज जो लोग होते हैं, उनके जो मेलानोसाइट सेल होती है वो फ्यू मेलानिन को बनाते हैं। इसलिए जो उनका हेयर होता है वो लाइट की तरफ होता है, ब्लॉन्ड की तरफ होता है। और हमारे जो एशियन जो हेयर होता है ज्यादातर ये हमारा यू मेलानिन को बनाता है, जिसके वजह से हमारा जो हेयर होता है वो डार्क की तरफ रहता है। तो किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, तो हम फिर आगे चलते हैं। मेलानिन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ये सारा कुछ सभी के क्लियर हुआ?
चैट बॉक्स में बताएं, और जिसका भी कोई भी डाउट है तो वो मुझको बताओ, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। चलो एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसका कोई डाउट हो तो पूछिए। सर ये मेलरिन का ये एक तो यू ये पढ़ा ये स्पेलिंग एक बार आप बता सकते हैं सर? स्पेलिंग आप बोल रहे हैं? हेलो MELANIN EUMELANIN ठीक है, यूमेलिन फ्यूमेलिन की है PHEOMELANIN इसके आपको नोट्स मिलेंगे ठीक है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। तो फीमेलिन में येलो और रेड होगा सर? हाँ, जो फीमेलिन होता है इसके अंदर येलो और रेड होते हैं, ज्यादातर जो गोरे लोग जो होते हैं ना येलो की तरफ जाता है, तो इसलिए येलो और रेड। हेलो हाँ बोलिए, डाउट था मेरा जो सर आप नोट्स हेलो एक एक करके पूछिए। हाँ जी बोलिए सर, जो नोट्स दोगे उसमें स्पेलिंग्स क्लियर होंगी सारी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको नोट्स में सारा कुछ मिल जाएगा ठीक है। ओके, अभी ना एक्चुअली स्पेलिंग्स आपकी ना समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल अभी फिलहाल आपको क्या करना है, कुछ भी नोट नहीं करना अभी फिलहाल आपको, जो भी डाउट होता है वो लिखो। हाँ सिर्फ समझना, एडवाइस दे रहा हूँ। हेलो हाँ जी सर, एक एडवाइस दे रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे इतना समझ नहीं आ रहा, वैसे क्लास अच्छी चल रही है आपकी, जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो ना वो तो सही है ठीक है, अदरवाइज आप फेस टू फेस आके थोड़ी सी बात की फिर स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे। ओके, मैं कोशिश करूंगा कल से, क्योंकि अगर मैं फेस दिखाने लग गया ना, अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो कैमरे को बहुत बैक की तरफ करना पड़ेगा, तो सर 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 लिख रहे हैं वो बरोबर है, आप आते रहिए सर, आपका चेहरा मार करके देख लेंगे वहां पर, सर लिख रहे हो बरोबर है। हेलो डिफ्यूज पिगमेंट और गैरून पिगमेंट्स, जो कहता है कि गैरून पिगमेंट्स इंडियन होते हैं, डिफ्यूज पिगमेंट फॉरेन होते हैं, वो यही होते हैं? हाँ यही होता है बिल्कुल, इन्हीं के अलग नाम है। ह्यूमेलिन है जिसमें आपने बोला कि ब्लू और रेड पिगमेंट होते हैं ज्यादातर, मतलब तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब येलो भी होता ही है, बट हाँ होता है। हाँ जी सर, इसे डिफ्यूज ग्रेविन पिगमेंट भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो, इसी को ही अलग अलग नाम से जानते हैं, बट ज्यादातर जो नाम जानते हैं। देखिए मुझे लोगों से विनती है, आप लोग देखिए सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ ठीक है, परमानेंट। अब आपको मैं दोबारा से समझा रहा हूँ ठीक है, अब म्यूट क्यों नहीं हो पा रहे सभी? देखिए आप एक तो फर्स्ट आपका जो भी मैं इसको लिख रहा हूँ ठीक है, आप स्पेलिंग जो है आप अपनी मर्जी से, जो मैं बोल रहा हूँ मेलो साइड बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा गलत लिख लो अगर आप नोट कर भी रहे ठीक है, पर जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल एक एक स्पेलिंग सही करनी है, वो आप स्पेलिंग में ही रह जाओगे कि हाँ स्पेलिंग सही होना चाहिए, तो आप ये चीज नहीं समझ पाओगे। फर्स्ट आपको नोट्स तो करना ही नहीं है, पहले बार नोट करने के लिए मैं रिकॉर्डिंग वीडियो आपको भेज तो रहा हूँ, नोट्स आपको दे तो रहा हूँ, उसको आप प्रॉपर अच्छे से आप बना के आप वीडियोस देखो, आप अपना जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ उसको आप देखो, उसके बाद आप नोट्स अपने रेडी करें ठीक है। अभी फिलहाल आपको फोकस देना है सिर्फ समझने में, लिखना किसी को भी नहीं है, लिखने के लिए रिकॉर्डिंग वीडियो दोबारा से देखो और उसको लिख लेना, और जो भी डाउट है सिर्फ उसको लिखो और फोकस दो सिर्फ इस चीज पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ उस पे दो, आगे की मत सोचना अभी ठीक है। फिलहाल जितना पढ़ा रहा हूँ उतने पे आपको सही लगता है तो आप
ओके बोले, वरना जो भी डाउट हो तो आप उसमें चैट बॉक्स में डालें। तो मेन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए जो हमारा नेचुरल कलर्स होते हैं वो कहाँ से बनना स्टार्ट होता है। हेयर बल्ब के अंदर मैक्रिस होता है, मैक्रिस के अंदर मेलोसाइट सेल होते हैं जो हमारा मेलानिन को बनाता है। अब मेलानिन भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यू मेलानिन, एक होते हैं फ्यू मेलानिन। ठीक है, यू मेलानिन के अंदर ब्लू और रेड जो पिगमेंट्स होता है वो होता है, फ्यू मेलानिन के अंदर येलो और रेड पिगमेंट्स होता है। इससे ही आपको पता चल रहा है ब्लू कितना डार्क सा हो गया, रेड कितना डार्क हो गया है। तो इसलिए जो हमारा हेयर होता है, अगर किसी के हेयर ये वाले पिगमेंट्स बनाता है तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से हमारा हेयर डार्क की तरफ जाएगा, और जिसके हेयर के अंदर येलो और रेड होते हैं तो वो हेयर जो होगा वो लाइट की तरफ जाएगा, ब्लोंड की तरफ जाएगा। ठीक है, मैक्रिस एक हमारा एक सेल है। ठीक है, हेयर बल्ब के अंदर मैक्रिस सेल होता है, वो हमारा मेलोसाइट सेल होता है, इसी के अंदर उसके अंदर मेलानिन होता है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा देखो, हम हेयर रूट के अंदर काम नहीं करते, हम काम कहाँ करते हैं, हेयर स्टॉक के ऊपर काम करते हैं। तो हेयर रूट का हमारा कोई मतलब नहीं है, इस पे डॉक्टर वर्क करते हैं, हम वर्क नहीं करते हैं। पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, वो ग्रे हेयर है तो क्यों हुए है, तो ग्रे हेयर होने का क्या कारण होता है। जब हमारी एज ज्यादा हो जाती है, जब फिर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हो, तो उसकी वजह से जो आपका मेलानोसाइट सेल होता है वो कम बनना बनते हैं। ठीक है, एक तरीके से मेलानोसाइट जो सेल है, जो मैंने आपको एक मशीन बताया, मेलानोसाइट एक मशीन है जो आपके कलर को बनाती है, वो एक तरीके से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मेलानिन होता है वो बनना बंद हो जाता है। एज अगर आपकी ज्यादा हो जाती है तो भी ये जो मशीन है, ये मेलानोसाइट जो सेल है, ये आपका कम आपका मेलानिन को बनाता है। ठीक है, जब आपका मेलानिन जो होता है वो आपका कम बनना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका हेयर जो होता है वो व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका जो हेयर है वो व्हाइट होता है। तो मेन आपका क्या है, डाइट। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हो, स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो हेयर होगा वो आपका हेल्थी ही रहेगा। तो अब हमें वर्क कहाँ करना है, हमें हेयर साफ्ट पे काम करना है। हेयर साफ्ट क्या चीज होता है, जहां पर हम कलर करते हैं, जहां पर हम स्मूथनिंग करते हैं, तो वो होता है हमारा हेयर साफ्ट। क्या मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल क्लियर लिखने की, ताकि आपको एक एक चीज समझ भी आए। तो हमारे स्कैल्प के अंदर से जो ये हेयर होते हैं, आप इसी पे काम करते हो, इसी पे कलर करते हो, सब चीज इसी पे करते हो, तो यहां पर जो हमारे डाई कलर्स होते हैं वो हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए, जो हमारे प्रोफेशनल कलर्स होते हैं वो क्यों यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो हेयर होता है, इसको मैं एक सिंगल हेयर बना लेता हूँ, अब इतने सारे हेयर को मैं नहीं समझा सकता, सभी हेयर का एक सेम ही वर्क होता है। ठीक है, तो मैंने एक एक हेयर को बनाया है, बड़े हेयर को, ताकि आपको एक अच्छे से नजर भी आए। तो हमारा हेयर देखने में तो बहुत ज्यादा पतला नजर आता है, बहुत फाइन नजर आता है, पर इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर जो लेयर होती है वो हमारी क्यूटिकल लेयर होती है। जो हमारी ये क्यूटिकल लेयर होती है, ये हमारी एक फिश जो होती है, फिश स्केल जो होती है, इस टाइप की ये ऐसे होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है, अभी मैंने साइड साइड में बनाया है, ये आपका पूरा प्रॉपर ऐसे रहता है, ऐसी फिश होती है इसी टाइप का। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है उसका नाम होता है क्यूटिकल लेयर। तो क्यूटिकल लेयर हमारी कैसी नजर आती है, फिश स्केल की तरह नजर आती है। तो आपने कभी भी देखा होगा, जब आप बालों में कंडीशनर लगाते हो, या फिर आप कोई आयनिंग करते हो, आयनिंग या फिर ड्रायर करते हो, तो आपके बालों में बहुत ज्यादा अच्छी शाइन नजर आती है।
वो साइन क्यों नजर आती है, क्योंकि आप इसी क्यूटी के लेयर को क्लोज करने का काम करते हो, इसको एक चिपकाने का काम करते हो। जब आपकी क्यूटी के लेयर क्लोज होगा तो आपके बालों में साइन अच्छी नजर आएगी। अगर आपकी जो क्यूटी के लेयर है वो आपका ओपन रहेगा तो आपका जो हेयर होगा वो बहुत ज्यादा ड्राई नजर आएगा, डैमेज नजर आएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्यूटी के लेयर है डैमेज, तो वहां पर जो आपका कलर होता है वो बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, आपका जो अगर किसी का हेल्थी हेयर है, अगर किसी का क्यूटी के लेयर बहुत हेल्थी है, और वहीं पर ही किसी की क्यूटी के लेयर जो है वो बहुत ज्यादा फटी हुई है, बहुत ज्यादा डैमेज है, तो जल्दी जो कलर आने वाला है वो कहां पर आएगा, जिसकी क्यूटी के लेयर ओपन है। स्मूथनिंग करने के बाद आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है एक तरीके से ओपन हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा केमिकल बालों पर यूज कर चुकी हो, तो केमिकल यूज करने से आपका जो बालों में ड्राइनेस आ जाती है, तो ड्राइनेस वही एक जो ड्राइनेस होता है ना, वही आपकी जो क्यूटिकल लेयर है वही आपका ओपन हो चुका है। तो जब आपका क्यूटिकल लेयर ओपन होगा तो आपका जो कलर होगा वो फास्ट वर्क करेगा। आपने एक चीज और नोट किया होगा, आपका जो स्कैल्प के पास वाला जो हेयर होता है वो बहुत ज्यादा हेल्थी हेयर होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे आपका जो हेयर होता है बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। ठीक है, तो आपने कभी भी ब्लोंडर जब आप यूज करते हो तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा, जो एंड्स वाले जो हेयर होते हैं उसपे ज्यादा लाइट हो जाता है। ठीक है, प्रीलाइट जब आप करते हो तो नीचे वाला हेयर जल्दी लाइट हो जाता है और ऊपर वाला थोड़ा देर में होता है। तो यहाँ पर वही है, जहां पर क्यूटी के लेयर अगर आपकी ओपन है तो वहां पर आपका जो कलर है वो आपका फास्ट काम करेगा। अगर आपकी क्यूटी के लेयर हेल्थी है, अच्छी है, तो वहां पर आपका थोड़ा कलर लेट वर्क करेगा। और दूसरा, अगर आपकी क्यूटी के लेयर बंद है, क्लोज है, आपका हेयर हेल्थी है, आपका कलर से बाल ज्यादा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो क्यूटी के लेयर बंद होना अच्छी बात है, ओपन होना बेकार है। ठीक है, अगर ओपन है तो बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस नजर आएगी। तो फर्स्ट लेयर का काम क्या है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सेकंड है हमारी लेयर जिसका नाम होता है कोटेक्स। अब बाल देखने में तो बहुत ज्यादा पतला नजर आता है, पर फर्स्ट लेयर है उसके अंदर भी एक लेयर होती है। ठीक है, जैसे एक ये डब्बा है तो इसके अंदर एक और डब्बा होगा। फर्स्ट हमारा क्यूटिकल लेयर है, सेकंड हमारा कोटेक्स लेयर होती है। तो जो हमारी ये कोटेक्स लेयर होता है, बिल्कुल जब हम वॉश करते हैं तो भी हमारा क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाता है, अगर हम अच्छा एलकलाइन वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं। तो सेकंड हमारा होता है कोटेक्स लेयर। कोटेक्स लेयर जो होता है ये हमारी सेकंड लेयर होती है, इसके अंदर 80-90% वेट होता है। ठीक है, 80-90% जो वेट होता है वो हमारा कोटेक्स लेयर के अंदर होता है। अगर आपकी कोटेक्स लेयर नहीं है तो आपको समझ लेना बाल ही नहीं, आपका खत्म हो चुका बाल। तो क्यूटी के लेयर अगर आपके बालों में नहीं है, आपकी क्यूटी लेयर फटी हुई है, आपकी क्यूटी लेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, बहुत ज्यादा बालों में ड्राइनेस है, तो चलेगा। पर अगर आपका कोटेक्स लेयर भी नहीं होगा तो आपका समझ लेना बाल ही नहीं है। तो सेकंड लेयर होती है हमारी कोटेक्स लेयर, जिसके अंदर 80-90% वेट होता है। अब इतना ज्यादा वेट इसमें क्यों है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं बोन्स, इसी के अंदर होते हैं पिगमेंट। ठीक है, इसी के अंदर होता है इलास्टिसिटी। ठीक है, सारा कुछ इसी के अंदर ही है। तो कोटेक्स लेयर के अंदर हमारे बॉन्ड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इलास्टिसिटी होती है। तो पिगमेंट हमारा क्या है, कलर। अब अंदर से जब वो निकल के आता है ना, तो वो कोटेक्स लेयर के अंदर, हम जब वो बाहर निकल जाता है तो हम कोटेक्स लेयर के अंदर मानते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे प्रोफेशनल कलर्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर काम करते हैं, सेकेंड लेयर के अंदर जाके काम करते हैं। कहाँ पर, सेकेंड लेयर के अंदर, कोटेक्स लेयर के अंदर जाके पिगमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो पिगमेंट हमारे कौन से थे, वही रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, तो ये हमारे कहां पर होते हैं, कौन सी लेयर के अंदर होते हैं, कोटेक्स लेयर के अंदर होते हैं ये हमारे पिगमेंट। अब आता है हमारा मेन, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो प्रोफेशनल कलर है वो डाई क्या काम करते हैं। तो डाई के अंदर होता है एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारा कोटिंग करता है। ठीक है, तो डाई के अंदर मेटैलिक होता है। मेटैलिक का काम होता है हमारे बालों पे, अमोनिया होता है ज्यादा उसमें,
जो बालों में क्या करता है, कोटिंग करने का काम करता है। तो कोटिंग वो कैसी करता है, जैसे एक पेंट कर देते ना बालों पे द्वारों पे, तो ऐसे ही उस डाई का काम होता है। डाई मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गोदरेज के जो कलर्स होते हैं, जो मेहंदी होती है, ये सभी का इनका क्या काम होता है, हमारी क्यूटिकल लेयर के ऊपर एक और लेयर बना देना, ठीक है। और ये जो लेयर होती है ये आर्टिफिशियल लेयर होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, अब आप कितना मर्जी कोशिश कर लेना आपका जो ब्लॉन्डर होता है ना वो भी फेल हो जाता है। अब आपने क्या किया, आपने डाई कलर यूज किया, आपके क्लाइंट ने डाई कलर यूज किया, आप अब अगर आप प्रोफेशनल कलर यूज करोगे तो आपका कोटेक्स लेयर के अंदर आपके जो कलर है वो नहीं जा पाएगा। आपके जो प्रोफेशनल कलर होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, कोटेक्स लेयर के अंदर, ठीक है। कोटेक्स लेयर के अंदर कौन सी पिगमेंट पे काम करते हैं, तो वो जो डाई कलर्स होते हैं वो हमारे बालों में इतनी ज्यादा कोटिंग बना देते हैं, चाहे 2 साल हो चुके हैं तो भी आपके बालों में वो कोटिंग रहती रहती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोटिंग रहती है। तो यहाँ पर जो कोटिंग है उसके लिए हमें ब्लॉन्डर यूज करना पड़ता है, ठीक है। ब्लॉन्डर हमारा एक ऐसा उसके अंदर ऐसा ऐसे अमोनिया डाला हुआ है जो हमारा इस लेयर को भी तोड़ने का काम करता है। तो कभी भी आपको मेहंदी वाला हेयर, डाई हेयर, ठीक है, इस टाइप का कोई हेयर मिलेगा तो समझ जाना आपको वहां पर प्रोफेशनल जो कलर्स होते हैं उसको आपको यूज नहीं करना है, पहले उस बालों के ऊपर आपको ब्लॉन्डर यूज करना पड़ेगा। ब्लॉन्डर का क्या काम होगा, इस फर्स्ट लेयर को तोड़ना और साथ में पिगमेंट को निकालना होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, कभी भी डाई कलर क्लाइंट ने यूज करा है तो वहां पर आप डायरेक्ट आप कलर ट्यूब से कभी भी रिजल्ट नहीं दे सकते, आपको वहां पर ब्लॉन्डर यूज करना ही पड़ेगा। बाकी वेलावन ने एक ऐसा मैग्मा बनाया हुआ है जो हमारा इनको भी तोड़ देता है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है लगावे, वहां पर ये भी काम कर जाता है। तो सेकंड लेयर होते हैं हमारी कोटेक्स लेयर, जिसके अंदर होता है बॉन्ड्स और पिगमेंट। हमारा मेन काम है पिगमेंट को समझना, जहां पर हम काम करते हैं। तो हम काम कहाँ करते हैं, कोटेक्स लेयर के अंदर जाके। लास्ट होता है हमारा मेडुला। मेडुला जो होता है ये हमारा सबसे लास्ट लेयर होती है। जो मेडुला ये हर एक बालों में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ उसी हेयर में मिलने वाला है जिसके बहुत ज्यादा थिक बाल है, बहुत ज्यादा मोटे बाल है, उसी के अंदर आपको ये मिलेगा। ज्यादातर ये अफ्रीकन जो हेयर्स होते हैं उसके अंदर ये आपको मिलता है, ठीक है। एशियन हेयर में भी बहुत कम होता है जिसके अंदर ये मेडुला होता है, मतलब जिसको आपको लगे ना कि बहुत ज्यादा मोटा बाल है, बहुत ज्यादा थिक बाल है, तो वहीं पर ही आपको ये मेडुला मिलेगा, बाकी इतनी आसानी से ये नहीं मिलता है, सिर्फ अफ्रीकन हेयर में ज्यादातर मिलता है जिसके बहुत ज्यादा जेट ब्लैक होते हैं बाल। तो मेडुला का होना या ना होना ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर ये आपके बालों में नहीं भी है तो भी आपका हेयर हेल्थी है, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल इसका काम कुछ नहीं होता, यही है जिसके मोटे बाल होगा उसी के अंदर ये मेडुला होती है। तो हमारे बालों की कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर, कोटेक्स लेयर एंड मेडुला, 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर होती है हमारी क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर हमारी कैसी नजर आती है, फिश स्केल की तरह ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर हमारी क्यूटिकल लेयर ओपन है, फटी हुई है, तो हमारा हेयर कैसा नजर आएगा, ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज नजर आएगा। ड्राई डैमेज हमारा क्यों होता है बाल, अगर हमने कोई एल्कलाइन वाली चीजें यूज करी या हमने स्मूथनिंग करवाया हुआ है, बालों पे कलर यूज किया हुआ है, तो ये जितने भी चीजें होती है हमारे बालों के लिए हेल्थी नहीं होता। तो हमारा ये क्या करता है, हमारे क्यूटिकल लेयर को ओपन कर देता है। ड्राइनेस जब भी आपको नजर आएगी तो समझना वो क्यूटिकल लेयर ओपन है। तो क्यूटिकल लेयर अगर क्लोज है तो आपका हेयर में बहुत ज्यादा साइन नजर आएगी, ठीक है। फर्स्ट लेयर क्यूटिकल लेयर होती है, इसका ये काम होता है। सेकंड होती है कोटेक्स लेयर। 80-90% वेट हमारा कोटेक्स लेयर के अंदर होता है। इसके अंदर बॉन्ड्स होता है। बॉन्ड्स को मुझे नहीं लगता आपको पढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हमारा इसका काम ही नहीं है। और कोटेक्स लेयर के अंदर ही होता है हमारा पिगमेंट। पिगमेंट जो होता है ये हमारे जो नेचुरल जो कलर्स होते हैं वो होता है। तो पिगमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। अगर मैं आपको बोलूंगा मेलानिन तो समझ जाना मैं इसी पिगमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं मेलानिन बोल रहा हूँ,
तो यही है, पिगमेंट बोल रहा हूँ तो यही है, ठीक है, नेचुरल कलर बोल रहा हूँ तो यही है, रेड येलो ब्लू, तो ये हमारा नेचुरल कलर्स होते हैं। तो अब हम कोई भी काम करेंगे वो कहां पर करेंगे, प्रोफेशनल कलर के साथ कॉर्टेक्स लेयर के अंदर जाके। अब ये हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं ये ही हमें गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, थीके? सबसे ज्यादा जब भी हम कलर करते हैं ना यही बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है। आप सोचते हो कि ये कलर आ जाएगा पर वो कलर नहीं आ पाता, आप सोचते हो कि मैं एस कलर एस जो कलर है वो कर लूंगा पर एस कलर आपका नहीं आ पाता है, ठीक है। वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप इस जो पिगमेंट्स होता है जो आपके रेड येलो ब्लू है इसको आप ये सोचते हो कि ये तो हमारे बालों के अंदर है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है तो कलर ही, अगर हम इस रेड के अंदर, रेड जो पिगमेंट है इसके अंदर हम कोई भी कलर ऐड कर देंगे तो वो तो कुछ और ही बन जाएगा। अगर हमने रेड पे ब्लू कर दिया तो वो तो कुछ और ही कलर बन जाएगा, ठीक है। अगर हमने येलो पे कोई और कलर कर दिया, हमने ब्लू कर दिया तो वो तो ग्रीन ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पिगमेंट पे बिल्कुल फोकस देना है। जब भी मैं आपको अंडरकोट बताऊंगा इसी पिगमेंट की बात करूंगा, जब भी मैं आपको ब्लीच करने के बाद जो मैं आपको अंडरकोट दिखाने वाला हूं तो ये वही चीज होगी, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, सिवाज आपका रहेगा हेयर साफ और हेयर रूट, और कल हमारा बहुत ज्यादा मेन टॉपिक है। अगर आपने कल की क्लास को छोड़ दिया तो मैं यही बोलूंगा आगे की क्लास आपको समझ नहीं आने वाली, आपको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत सारी चीजें आ गई पर कल का टॉपिक बहुत ज्यादा मेन है, ठीक है। तो कल के टॉपिक को जरूर ज्वाइन करना सभी, ठीक है। अब मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, पहले आप चैट बॉक्स में पूछे जिसको भी कुछ पूछना है, उसके बाद मुझे लगेगा कि सबको अनम्यूट करूं फिर मैं अनम्यूट करूंगा। तो जिसको भी कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछिए। एक मिनट, देखिए नोट्स आपको आपको जो मैंने आज पढ़ाया ना इसका नोट्स आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं सुबह तक आपको सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ आपको ये नोट्स भी सेंड हो जाएगा। प्रॉपर अभी आपको नोट्स सेंड नहीं होएगा, मैं आपको इस टॉपिक का छोटा सा आपको एक नोट्स सेंड कर दूंगा, एक पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, उसमें आपको ये सारा कुछ क्लियर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इतना ज्यादा इसको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मेन आपको मैंने चीज बताया है कि हमारा कलर कहाँ से स्टार्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। हम बल्कि काम नहीं करते, डॉक्टर काम करते हैं, पर आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। मेन आपको सांप के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारा कलर होता है प्रोफेशनल कलर होता है वो हमारे कॉर्टेक्स लेयर के अंदर जाके काम करता है पिगमेंट के ऊपर। और जो ये रेड येलो ब्लू पिगमेंट है ये आपको देखने को भी मिलेगा, ऐसे नहीं कि ये देखने को नहीं मिलेगा, और यही आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है कलर के टाइम पे, ठीक है। तो इस पे बिल्कुल फोकस देना। हीना हेयर पे अगर आपको काम करना तो मैग्मा नाम है, आप पूछ रहे क्या नाम है, मैग्मा, मैग्मा नाम है जो वेला के अंदर आता है, और वो एक कलर है जो आपको 6 लेवल तक आपको आराम से लिफ्टिंग दे देता है, अप टू 6 लेवल। प्रॉपर मैं ये नहीं कह रहा आप 10 वॉल्यूम यूज कर रहे हो तो भी आपको 6 दे रहा है, तो नहीं, आपको अप टू 6 लेवल। तो वो आप अब देखो ब्लोंडर आप कौन सा यूज कर रहे हैं। चलो अब मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, तो जो भी आपके डाउट होगा तो आप में से क्लियर करें, और कल की क्लास को देखो सभी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि कल की क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको सबको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो जिसके कोई डाउट हो तो पूछिए। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो मेडोला जो आप बोलते हैं ना, मेडोला नहीं, मेडोला
किसी के हेयर में होती है किसी में नहीं होती है। हाँ हाँ तो ये बता दीजिए मुझे इसे ये मेडुला क्यों नहीं होती कि किसी एयर में इसके इसका जवाब दे दीजिए मुझे प्लीज। देखो जो मेडुला होती है ना जिसके और मेडुला का काम क्या है वो भी बता दीजिए। ठीक है जी मेरा नाम अहमद है सर। हाँ हाँ मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा मैं बोल रहा हूँ कि जो मेडुला होती है ये आपकी सबसे लास्ट की लेयर होती है ठीक है और इसका कोई भी काम नहीं होता इसके अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर आपके ना बोन्स है ना आपके इसमें पिगमेंट्स है ना आपकी इसके अंदर इलास्टिसिटी है इसका कुछ भी काम नहीं होता है। पर ये है कि देखो अगर मैं फर्स्ट लेयर की बात करूँ क्यूटिकल लेयर की क्यूटिकल लेयर भी सिर्फ एक लेयर नहीं होती कम से कम 25 लेयर होती है। अब सबके अंदर 25 लेयर नहीं होती अगर किसी का बहुत ज्यादा पतला बाल है हो सकता है उसके अंदर सिर्फ 22 लेयर हो ठीक है हो सकता है उसके अंदर 19 हो सकता है उसके अंदर 16 हो। तो क्यूटिकल लेयर भी हमारे सिर्फ एक नहीं होती 25 लेयर होती है अगर हम एक अच्छे हेल्थी हेयर की बात करें तो 25 लेयर होती है पर सभी के अंदर सेम नहीं होता है ठीक है किसी के अंदर 16 है किसी के अंदर 18 ऐसे होता है। और ऐसे ही मेडुला जो होता है ये सभी के अंदर नहीं होता ठीक है जिसके बहुत ज्यादा मोटे बाल होते हैं थिक बाल होते हैं उसी के अंदर होते हैं ये हमारे मेडुला। तो जैसे हमारा क्यूटिकल लेयर 25 लेयर सभी के अंदर नहीं होती ऐसे हमारा जो मेडुला होता है वो सभी के अंदर नहीं होता जिसका जितना मोटा बाल होगा उसके अंदर ये मेडुला मिल सकता है जिसका मोटा बाल नहीं है पतला बाल है तो उसके अंदर नहीं होती। अब किसी को कुछ पूछना है और मेडुला का कुछ भी काम नहीं है ठीक है इस पर हम कुछ भी काम नहीं करते ये एक सिर्फ खाली लेयर होती है इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो मैं अब सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ तो आप पूछना है तो कुछ पूछे। हेलो सर लेकिन सर मैं तो ये कहना चाह रहा था ये तो हमारा एक बेस है ना ये हमारे हेयर का बेस है सर। अब आप ये कहना चाहते हो कि हमारा मेडुला जो होगा वो होगा ही होगा है ना स्टार्टिंग से मेरी मेरे हिसाब से हाँ आप क्योंकि ये हमारा एक बेस है ना सर ये हमारा बेस है इसके ऊपर ही लेयर बनी है ना सब। अच्छा एक चीज और हमारा जो हेयर होता है आपको पता है कि स्टार्टिंग का हेयर थिक होता है और लास्ट तक जाते जाते क्या हो जाता है वो फाइन हो जाता है ठीक है। ऐसे ही हमारा जब मैंने आपको एक चीज बताया था ये हमारा क्या है डर्मल पैपिला है। डर्मल पैपिला क्या करेगा हमारा न्यूट्रंस देता है ताकि हमारे हेयर फॉलिकल बने सॉरी वो बने हेयर बल्ब बने ठीक है। अब जब हमारा हेयर बल्ब बनता है ना तो यहाँ से हमारा हेयर हेल्थी होगा यहाँ पर समझ लो हमारा मेडुला है तो जाते जाते यहाँ तक क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा ठीक है। तो वहां तक हमारा मेडुला खत्म हो गया अगर किसी का हेल्थी हेयर होता वो बाहर भी आ जाता है। क्लियर हुआ ऐसा हो सकता है। हेलो सर हाँ जी बोलो। मतलब सर जिसकी डाइट अच्छी होती है तो उसका उसके हेयर के अंदर मेडुला होता है। डाइट अच्छी नहीं जिसका हेल्थी बाल होता है जिसका बहुत ज्यादा मोटा बाल होता है और ज्यादातर ये हमारा अफ्रीकन हेयर में होता है तो सर जो बहुत ज्यादा जेड ब्लैक होता है तो सर वहाँ पर मोटा बाल क्यों पाया जाता है और यहाँ पर क्यों नहीं पाया जाता ये रीजन कुछ। सर हमारा काम ये थोड़े हमारा काम तो मेडुला का तो कोई काम ही नहीं है सर जो आपने पिगमेंट के लिए बताया है सर ये तीन पिगमेंट के बारे में जो आपने बताया रेड बस ये पे फोकस रखना। हाँ जी आपके आवाज कट हो गया था। हेलो हाँ हाँ बोलिए सर ये जो आपने पिगमेंट बताया रेड येलो और ब्लू तो सर अगर हाँ यही बताया हाँ सर जैसे अगर हमको किसी को ब्लॉन्ड कलर देना है जैसे हाइलाइट्स करनी है उसकी तो सर इसमें इसका क्या काम रहेगा वो आपको आगे धीरे धीरे समझ आता रहेगा ठीक है। ठीक है सर सर जो आपने बताया था मेन आपको फोकस देना है पिगमेंट पे। हाँ जी बोलिए सर जो आपने बताया था कि डाई हेयर्स पे मतलब वेलन निकाला मैग्मा तो वो मैग्मा डाई हेयर या विद विद ब्लॉन्डर वगैरह विद ब्लॉन्डर तो यूज ही नहीं करना पहली बात तो उसको और ज्यादातर ना जो मैग्मा होता है वो आपका डाई हेयर पे भी जब काम करेगा जब डाई कलर बहुत पुराना हो चुका है। ऐसा नहीं कि क्लाइंट डेली डाई कलर यूज करता है तो नहीं हो सकता ठीक है अगर उन्होंने बहुत कम यूज करा है तो हो सकता है हाँ थोड़ा बहुत
पर मेहंदी वाले बालों पे तो कर देता, वो मेहंदी वाले बालों पे भी बहुत कम अगर है। तो सर ये जो मैग्मा कलर है तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे? वो आपको ना धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा, जब हम ब्रांच की नॉलेज लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या काम किसका क्या काम है। ओके सर, कॉन्टैक्ट लेयर बताओगे क्या बताना है कॉन्टैक्ट लेयर के बारे में? सर हेलो सर, एक बार दोबारा रिपीट करें, कॉन्टैक्ट लेयर के अंदर क्या बताना है? हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ, बोल रहा है कि अच्छे से सी लाइटनिंग करने के बाद भी हेयर में पैचिनेस क्यों आता है सर? आप 25 दिन की क्लास लो या ले, ठीक है? उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा ना, पैच आना बंद हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा एडवांस हो गया, ये आपका देर से क्लियर हो जाएगा। हेलो। हाँ जी, और पूछिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था कि आप जो भी पढ़ाते हो तो डेली नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए करो, क्योंकि जो क्वेश्चन जो पढ़ाते हो वो कंटिन्यू वे में चालू रहेंगे, नहीं तो आप पढ़ाते हो नोट्स कर लोगे। ठीक है ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसका मैं छोटा छोटा नोट्स आपको दूंगा और लास्ट में आपको पूरा पीडीएफ फाइल मिलेगा। सर ये जो क्लास हो रही है सिर्फ ओनली कलर की हो रही है क्या? हाँ सिर्फ कलर की है, उसके बाद हमारा 25 दिन के बाद हमारा दूसरी क्लास स्टार्ट होगा। जो मैंने तो जो ज्वाइन किया ना वो 3 महीने की है ना? हाँ, अभी हमारा फिलहाल कलर का रहेगा 25 दिन तक। इसमें आपका बेसिक तो एडवांस रहेगा, ये एक तरीके से बेसिक हो गया, ठीक है? आपका हर एक चीज में काम आने वाला है। ओके सर। ओके हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, कंडीशनर करना जरूरी होता है। शैम्पू के अंदर जो हमारा शैम्पू होता है ना, उसका पीएच लेवल एल्कलाइन होता है, ठीक है? फिलहाल आपको अगर पीएच लेवल के बारे में पता होगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसका जो पीएच लेवल होता है वो एल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्यूटिकल लेयर होता है ना वो ओपन हो जाता है। तो शैम्पू से हमारा क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाता है। मैंने आपको क्या बोला, अगर हमारे क्यूटिकल लेयर ओपन है तो हमारे बालों में ड्राइनेस नजर आती है, ठीक है? वहां पर हमारा जो भी काम करता है वो फास्ट काम होता है अगर हमारे क्यूटिकल लेयर ओपन है। तो इसीलिए हम कभी भी स्मूथनिंग करते हैं, अब हम कभी भी कलर करते हैं तो ज्यादातर आपने देखा होगा पहले हम हेड वॉश करते हैं। हेड वॉश करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम कलर करना स्टार्ट करते हैं, अगर हम सीधा कलर ट्यूब के साथ कर रहे हैं तो। अगर वो हम हेड वॉश कैसे करते हैं, सिर्फ शैम्पू के साथ करते हैं, वहां पर हम कंडीशनर यूज नहीं करते हैं। कंडीशनर क्या करता है, हमारी क्यूटिकल लेयर को क्लोज करने का काम करता है, बंद करने का काम करता है। अगर आप अपनी क्यूटिकल लेयर ओपन रखोगे तो आपके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाएगी, आपकी क्यूटिकल लेयर बहुत ज्यादा फट जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आपको कंडीशनर यूज करना जरूरी है ताकि आपका हेयर हेल्थी रहे, बालों में शाइन ज्यादा रहे, ठीक है? तो इसलिए जरूरी होता है कंडीशनर यूज करना, पीएच लेवल को मेंटेन करना। और किसी का कोई डाउट? सर मेरा क्वेश्चन था क्यूटिकल लेयर में कितनी लेयर होती है? देखो अब आपने भी वही चीज पूछा मेरे से, क्यूटिकल लेयर जो होती है जी, सभी को म्यूट। क्यूटिकल लेयर जो होती है ये हमारा ऐसा नहीं कि सभी के अंदर सेम होगा, ठीक है? तो मैंने आपको बोला था 25 लेयर एंड होता है, ठीक है? अब किसी के अंदर 22 होते हैं, किसी के अंदर 15 होती है, किसी के अंदर 16 होती है, तो सभी के अंदर अलग अलग होती है। और ये जो लेयर होती है ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे क्यूटिकल लेयर कलरफुल होता, ये हमारी क्यूटिकल लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। हमारा कलर कौन सी लेयर में है, मैंने आपको कलर बताया था, कौन सी लेयर के अंदर है, कोटेक्स लेयर के अंदर है। तो ये हमारी जितने भी क्यूटिकल लेयर होते हैं वो हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, इसके आर पार आपको नजर आता है। तो जब भी आपको जो कोटेक्स लेयर जो आपका कलर है वो आपको नजर आता है, जो कोटेक्स लेयर के अंदर जो पिगमेंट्स है। अगर आपके ब्राउन बाल है तो आपको ब्राउन नजर आएगा, अगर आपके हेयर ब्लोंड की तरफ है तो आपका ब्लोंड नजर आता है। वो क्यों नजर आता है, क्योंकि आपकी क्यूटिकल लेयर ट्रांसपेरेंट है। और कितनी होगी ये बालों के ऊपर है।
और किसी का कोई डाउट? हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ जब ये क्रिटिकल लेयर है जो आप 25 नाम बता रहे हो, तो सर नोट्स मिलेगा उसके अंदर, उसके नाम मेंशन करके दे सकते हैं आप? देखो इसके क्या नाम होगा, ठीक है, ये एक तरीके से सेल्स ही होते हैं, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा डालने की, ठीक है, पर एक एक लेयर का क्या नाम आप ऐड करोगे? मेन मेन जो सी 2-3 लेयर्स होती है वो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, और कुछ किसी का डाउट? क्यूटिकल लेयर कंडीशनर करने से ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि आपका जो क्यूटिकल लेयर होती है अगर वो डैमेज हो चुकी है कुछ ज्यादा नहीं, तो उसको आप कंडीशनर से रिपेयर कर सकते हो। अगर कुछ ज्यादा डैमेज है तो आप वहां पर हेयर स्पा यूज कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा डैमेज है तो वहां पर आप केराटिन यूज कर सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो पूछिए। चैट बॉक्स में ही सही है। यस, पीएच लेवल जो होता है वो हमारा 4.5 to 5.5 होता है। मेहंदी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं करना? मेहंदी यूज, अगर मैं यही बोलूंगा, यूज करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए, किसको यूज करना चाहिए किसको यूज नहीं करना चाहिए, अगर चाहते हो इस टॉपिक पे तो मैं अभी पढ़ा सकता हूँ, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कोटेक्स की कोई लेयर नहीं होती है, कोटेक्स एक लेयर है। स्मूथनिंग के बाद आप कर सकते हो, 10 से 15 दिन बाद आप कलर कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। पीएच लेवल कैसे चेक करें, वो आपका देखो, एक आपको विजिबल चेक करना है, ठीक है, अगर हेयर हेल्थी है, बालों में साइन ज्यादा है तो उनका हेयर हेल्थी होगा, अगर उनके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो समझना उनका जो हेयर है उसका पीएच लेवल एल्कलाइन की तरह है। पर एक सेम आप नंबर नहीं बता सकते कि हाँ इनका नंबर 9 है एल्कलाइन, तो ऐसे नहीं बता सकते, कोई भी एक अंदाजा लगा सकते हो। हेयर सॉफ्ट जो होता है ना, जहां पर आप काम करते हो, जो आपका हेयर जो होता है, जहां पर आपको हेयर नजर आ रहा है, आपकी स्कैल्प पे जो हेयर है उसको बोलते हैं हेयर सॉफ्ट, ठीक है, जिस पर आप कलर करने वाले हो उसको बोलते हैं। देखो जिसके भी जो भी डाउट है मेहंदी के ऊपर कलर कैसे करें, तो ये एडवांस जो भी चीजें है ये आपका धीरे धीरे करके क्लियर होता रहेगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये टॉपिक जो है वो चीज क्लियर हुआ, ओके। देखिए मैं ये चीज सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ एक के लिए नहीं बोल रहा। अगर आप सोच रहे हो कि आज ही सब कुछ आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, थीके? मैं यही बोलूंगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना आप पढ़ो, सिर्फ इससे ज्यादा आगे ना बढ़ो बढ़ो जो भी आपके डाउट है। अब इतने दिन से भी तो आप काम कर रहे थे ना, आप मेहंदी वाले बालों पर काम कर रहे थे, आप ब्लीच यूज कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेहंदी वाले बालों पर आपको ब्लोंडर यूज करना पड़ता है, तो अभी तक आप कर रहे थे ना, 25 दिन और कर लो, ठीक है, 25 दिन के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा,
तो आप बाकी के जो भी आपके डाउट रहता है उसको आप थोड़ा सा कोशिश करें, जो हमारा क्लास होगा उसी टाइम आप पूछो, ठीक है? अगर हमारा टॉपिक होगा ग्रे हेयर का, तो आप ग्रे हेयर का टॉपिक पे बात करना, क्योंकि हम वहां पर ग्रे हेयर की बात करने वाले हैं। जब हमारा मेहंदी का टॉपिक आएगा तो आप उस टाइम मेहंदी वाली बात करना। तो इसलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो आपको अगर क्लियर हुआ है तो हम क्लास को ओवर करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। और फर्स्ट क्लास में नींद तो नहीं आई, ये भी बताया मुझे। सर नींद नहीं आई लेकिन कल जगना है। सर आपने कंडीशनर के बारे में बताया ना, तो किसी क्लाइंट वो मना करता है ये कंडीशनर यूज करने में, करने से हेयर फ्लैट होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कंडीशनर में क्या कहते हैं, क्या होता है? सर सम क्लाइंट वो मना करता है कंडीशनर यूज करने से, हेयर मास्क यूज करने से हमारा बाल फ्लैट होता है, तो वो लोग मना करता है। अच्छा, वो यही कहते हैं कि हेयर जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, सिल्की हो जाते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो देखो अगर क्लाइंट ऐसा कहता है कि फ्लैट हो जाता है, तो उनको कान नीचे पर एंड्स पे तो यूज कर सकते हैं ना, स्कैल्प के पास से ना करें पर एंड्स पे वो जरूर करें। ओके ओके, थैंक यू सर। सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू। हैप्पी मकर आप पूरे संक्रांति सर। सेम टू यू सभी को। सर आप अच्छे से पढ़ाते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और मैं सभी के लिए यही बोलूंगा कि देखो फोकस पहली रखो, क्लास में ना, इतना पहली टॉपिक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ठीक है? बहुत ही अच्छा लगा, हेलो आगे तो सर। पता नहीं कैसे थैंक यू। लगेगा। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, शैम्पू का पीएच बैलेंस कितना होता है कंडीशनर का? सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है? तो एक दिन मैं पीएच लेवल का मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। हेलो सर जी, 10 से 12 सर होता है शैम्पू का, सबका अलग होता है, 8 से स्टार्ट हो जाता है, 7-8। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हमारे बालों में जैसे येलो रेड ब्लू ये कलर होते हैं, ये कलर कैसे आते हैं, मतलब कैसे आते हैं कलर ब्लाउंडर से, कितने परसेंट लिफ्टिंग में कौन सा कितने? ये धीरे धीरे थोड़ा सा वेट करो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अब तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं ना सर, इतना इतना जो नहीं, अब नहीं, अब क्लास को ओवर हो चुका हमारा, किसी को सबको गुड डाउट नाइट हो मेरी तो तरफ वो से। पूछे। सर फिर सर एक बात है, आपने बेला का नहीं बताया था अभी, बेला का ब्लंडर बताया था, हाँ जी हाँ जी, मैंने जो बेला का कुछ भी नहीं बताया, ब्लंडर वाला वो बताना सर एक बार रिपीट करके। मैंने वेला का ब्लोंडर नहीं बताया, वो हमारा कलर होता है, ब्लोंडर नहीं है वो मैग्मा है, ठीक है? और सिर्फ वो एक नहीं आता, जैसे ब्लोंडर एक ही आता है ना, बट लिफ्टिंग करता है, वो एक लिफ्ट भी करता है प्लस वो कलर भी है, वो एक कलर है मैग्मा। बहुत बहुत आपका ओके। और बाकी ये जो भी चीज है ये सारा धीरे धीरे करके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं आज की। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।